अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा खबर आप लोग के साथ शेयर करने लगा हूँ। पीटीआई फैन के लिए अच्छी खबर आ गई है और साथ साथ में फी एमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है कि नवाज़ शरीफ के जो नाअहली केस था बरकरार है और नवाज़ शरीफ तहयात नाअहल है। सात जजों ने फैसला सुना दिया। नाज़रीन, कल ज़ुबैर साहब, ज़ुबैर नाम एक बंदी के वीडियो वायरल हो गई है। उन्होंने इंकशाफात की कि 2020 से पहले नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के बयानात पर पाबंदी थी। उन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात की। चार घंटे तवील मुलाकात में इन्होंने ये तय पाया कि माजी में भी सियासतदानों के साथ इस तरह हुआ था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, मुल्क का नुकसान था। तो उसके बाद जनरल बाजवा की तरफ से और अदालतों की तरफ से नवाज शरीफ के लिए कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो गया और उसके बाद पीडीएम बन गया। पीडीएम के बाद और पीडीएम के जो असल मकसद था इमरान खान के कहने के इमरान खान के कहने पर कि इमरान पीडीएम का मकसद नवाज शरीफ के जो केसेज है वो ख़त्म करना है और ऐसा हो नज़र आ रहा है। लेकिन अब कुछ जजेज ऐसे भी हैं कि वो कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं और नवाज शरीफ जो तहयात नाअहल हुआ था तो वो फैसला बरकरार है और नवाज शरीफ अभी भी तहयात नाअहल है। सात जजों ने ये फैसला सुना दिया और ये फैसला बिल्कुल महफूज फैसला सुना दिया है।